इनका ससुराल भी है नारी और बारात भी जाएगी नारी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत शादी के माहौल से। हमारे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे गांव में जो है आजकल शादी का दौर चल रहा है, तो उसके चलते हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। तो दोस्तों, हाँ, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से जो है जब हमारे गांव में किसी लड़की की शादी होती है। एक्चुअली हम आपको बताएंगे, आई होप कि आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हाँ गाइस, चलते हैं सीधे मंगल स्थान। मंगल स्नान में सब लोग पीले पीले बन गए होते हैं, जैसे कि हमारे ताऊ जी बन रहे मेहमान लोगों के लिए खाना, जो कि बना रहे हैं हमारे चाचा लोग। सो गाइस, ये हमारी बुआ जी, मकानी बुआ। हाय करो हाय। देखो कितनी प्यारी लग रही है, और इनकी ससुराल, इनका ससुराल भी है नारी और बारात भी जाएगी नारी। बारात नारी, बाय बाय बाय। तो गाइस, यहाँ पे हमारे चाचा जी बना रहे हैं पकौड़े फर्स्ट क्लास अपने खुशहाल चाचा जी, और ये बन रहे मेहमान लोगों के लिए पकोड़े नारी लोग, नारी वालों के लिए। और यहाँ पे लग रही है दुल्हन पे हल्दी। सो गाइस, अभी जो है हल्दी भी खत्म हो गई है और अब है महिला संगीत की बारी। तो अभी जो है दुल्हन जो है मतलब मंगल स्नान पूरा हो चुका है, और अब जो है गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होकर डांस करेंगी, तो उसकी क्लिप आपको बताते हैं। बाकी देखो, हल्दी से मेरा चेहरा पूरा पीला पड़ गया है। बाकी महिलाएं तो काफ़ी मस्त हो रखी हैं नाचने में, और हमको करना पड़ता है काफ़ी सारा काम। सब पूरा चौक एकदम पीला पीला हो रखा है आज। तो गाइज, अभी बजे हैं 12:30, और अभी जो है हम कर रहे हैं बारात आने का वेट। लेकिन मेहमानों के लिए जो है पानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नारी गांव वाले हैं, काफ़ी दूर से आते हैं बेचारे, थक वक के पानी तो मांगेंगे ही। तो हाँ, उनके लिए अभी हम आए हैं अपने प्यारे सोर्स कुएं में, एकदम प्राकृतिक सोर्स है हमारा, तो यहाँ से ठंडा ठंडा पानी ले जाएंगे ताकि नारी गांव वालों का गला एकदम तृप्त हो जाए। बाकी ये है हमारा प्राकृतिक सोर्स, और हम लाए हैं ड्रम और डब्बे, तो अभी इनको ले जाते हैं, मिलते हैं सीधे आपसे चौक में। बाय। ये हमारी दीदी जी, ये रिंकी।
गाइस अभी बजे शाम के 5:30 और जो है हमारा खाना अब हो रहा है। तो यही सीन होता है गाँव में गाइस, पहले सब मेहमानों को खिलाना पड़ता है, उसके बाद खुद खाना पड़ता है। तो अभी खाते हैं खाना, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फाइनली गाइज अभी बजे हैं 5:30 और अभी तक जो है हमने पूरे मेहमान लोगों को खाना वाना खिलाया। और सच बताना गाइज, आजकल शादी करना इतना मुश्किल हो गया, मतलब सब कुछ देखना पड़ रहा है भाई। अगर गांव में लड़के ना तो सर्विस करने से लेकर सब कुछ से लेकर, है ना। और अभी जो है मेहमान लोग सब डांस करने पर लगे तगड़ा वाला। तो गाइज हाँ, और अभी जो है मैं अपने फ़ोन को भी चार्ज कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट जो ब्लॉग शूट होगा वो होगा नारी गांव में। तो पिछला ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा, अब चलेंगे सीधे डोली विदाई में। तब तक के लिए बाय। अभी हमें तिलवाड़ा में, तो गाइस यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। और बारात भी जा चुकी है, तो हम यहाँ से चलेंगे सीधा नारी, जो कि यहाँ से पूरे 8 किलोमीटर दूर है। तो यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।